नारायण नारायण, आज का विषय है नाम स्मरण, शरणागति और भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए शरणागति के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है, और शरणागति के लिए नाम स्मरण जैसा उत्तम उपाय नहीं है। शरणागति का मतलब है मैं करता हूँ भावना का अभिमान नष्ट हो जाना, और सारी बातों का कर्ता धर्ता परमेश्वर है यह भावना दृढ़ होना। नाम स्मरण के सिवाय अन्य साधनों में कोई कृति करनी पड़ती है, अर्थात मैं करता हूँ भावना का अहंकार होना संभव है, किंतु स्मरण मन का धर्म है, उसमें कृति का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। अतः अहंकार के लिए कोई गुजारिश ही नहीं होती। इसके अलावा स्मरण या विस्मरण दोनों हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए नाम का स्मरण होगा तभी नाम स्मरण करता हूँ यह कहने में कोई तथ्य नहीं है। अतः मैं नाम स्मरण का करता हूँ यह बात टिक नहीं सकती। वैसे तो मैं नाम स्मरण करता हूँ यह शब्द प्रयोग भी ठीक नहीं है, क्योंकि नाम स्मरण तो अपने आप या अनायास होते रहता है, उसके बारे में मैं वह कहता हूँ कहना भी सही नहीं लगता। अतः शरणागति के लिए नाम स्मरण जैसा दूसरा साधन नहीं है। शरणागति का दूसरा अर्थ है कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाएं बंद कर देना। क्रिया न करना क्रिया करने की अपेक्षा हमेशा अधिक सरल होता है, अतः शरणागति सहज साध्य लगनी चाहिए, लेकिन अनुभव ऐसा नहीं है। अनुभव तो यह है कि जो बात अत्यंत सरल लगती है वही प्रायः करने में कठिन होती है। किसी से मोटर तेजी से चलाने को कहें तो वह आसानी से चला लेगा, लेकिन उससे यदि कहें कि बहुत धीरे चलाओ तो वह उसके लिए बहुत कठिन होगा। अतः कोई भी कृति न करना कृति करने की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है तू केवल मेरी शरण में आ। देह बुद्धि, वासना, अहंकार ये सब एक ही हैं। संसार के वैभव के प्रति आसक्ति और परमात्मा की प्राप्ति, ये दोनों बातें साथ साथ हो ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने उद्धव से एकांत में जाकर हरि चिंतन करने के लिए कहा और ऐसा समझाया कि ऐसा करने से ही मेरी सच्ची प्राप्ति होगी। इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि संसार का त्याग किए बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं। भगवान की प्राप्ति के नियमों और व्यवहार में एवं आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के नियमों में बहुत अंतर है। मन में वासना निर्माण होते ही उसका समाधान करा लेने के लिए देह और वस्तुओं की हलचल करना व्यवहार है। सूक्ष्म वासना देह की सहायता से जड़ स्वरूप में परिवर्तित होना व्यवहार का सच्चा रूप है, किंतु भगवान का ठीक इसके विपरीत है। भगवान अत्यंत सूक्ष्म है, उसे प्राप्त करा लेने के लिए जड़ से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म की ओर जाना पड़ता है। अतः उसकी प्राप्ति का साधन भी जड़ से सूक्ष्म की ओर पहुंचाने वाला चाहिए। जड़ देह से संबंधित और सूक्ष्म से मिला हुआ साधन केवल नाम स्मरण ही है। नारायण नारायण।